हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा चिकन रेसिपी। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, चिकन जो है मेरे स्टाइल में, आप देखेगा मैं किस तरह से चिकन बनाती हूँ। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मुझे फुल वॉच करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, चिकन में पड़ने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने सामने रखे हुए हैं। इसमें 1 केजी टमाटर है, आधा केजी जो है प्याज है, 4-5 डली जो है अदरक की है और 7-8 जो है लहसुन की कलियां हैं, हरी मिर्च है और चिकन को मैंने धो के रख दिया है और इसमें नमक और मैंने हींग जो है ऐड करके रख दिया है और ये बॉटम की पतीली है, हांडी वाली पतीली है, इसमें मैं चिकन आज बनाऊँगी। तो पतीली को मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। और तेल मैं अंदाजे से जितना भी एक किलो में पड़ता है उससे थोड़ा सा मैं कम डालूँगी, क्योंकि बाद में मैंने इसमें जो है डालडा घी भी ऐड करना है। तो गाइस, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं अदरक लहसुन और मिर्च का जो है पेस्ट बना लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। तो और ये है गर्म मसाले, इसमें ज़ीरा है, 2-3 लौंग है, 4-5 मैंने काली मिर्च डाली है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है बस। और ये है हमारा प्याज और अब मैं जो है अदरक लहसुन और मिर्च के इनका जो है पेस्ट बना रही हूँ और हरी मिर्च जो मैं इस टाइम काट रही हूँ। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को जो है मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो गाइस, अब तेल हमारा गर्म हो चुका है और जो मैंने गर्म मसाले रखे थे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ साथ ही मैं एकदम मैं प्याज भी इसमें डाल दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी प्याज को। तो देखिए, अब हमारा प्याज जो है फ्राई हो रहा है और ये जो है अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट जो है बनाया है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है इसलिए ज़्यादा लग रहा है ये। और ये मसाले मेरे बिल्कुल रेडी हैं और प्याज भी हमारा हो गया है, इसलिए अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। तो मैं 2 चम्मच जो है 1 केजी के लिए धनिया का डालती हूँ, इसलिए मैं धनिया जो है हमें थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए, इससे जो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और इसमें जो है अब मैं अदरक लहसुन का जो है पेस्ट भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से इनको मिला लूंगी और फिर अच्छी तरह से पकने के लिए मैं रख दूंगी ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए, मैंने ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दिया है और देखिए अब हमारा जो है प्याज जो है मसाला जो है अब तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें प्याज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मतलब मिलाना होता है और बिल्कुल ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हमारा मसाला गल रहा है तब तक मेरी सासू मोम ने कहा कि मेरे लिए थोड़े से केले काट दो और खरबूजा काट दो और इन चीज़ों को जो है मिक्स करके मुझे कुछ भी नमक या चीनी डाल के इनको मुझे खाने के लिए दे दो। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो फिर से मैं चिकन को चला रही हूँ, तो मैं चिकन को बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से चिकन जो है बनाती हूँ। तो अब हमारा जो मसाला हो गया है, अब मैं टमाटर को भी काट रही हूँ और टमाटर को जो है मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही ग्राइंड करूँगी ताकि हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल जल्दी से बन जाए। तो देखिए, अब मैंने टमाटर की प्यूरी भी मैंने डाल दी है सब्ज़ी में और अच्छी तरह से मिला लूँगी और इनको फिर से मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए, अब हमारी जो है ग्रेवी जो है तैयार हो रही है। देखिए, मसाला जो है कितना अच्छा देखने को लग रहा है, मसाला रेडी है बिल्कुल। अब मैं इसमें डालडा घी भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने तेल की क्वांटिटी है पहले कम रखी थी
मतलब अगर डालडा घी भी इसमें डाल दें तो मतलब अलग ही टेस्ट आता है। और मसाला हमारा तैयार है, अब इसमें डाल दूंगी चिकन और फिर जो कड़छी है इसको निकाल दूंगी। अब मैं इसके लिए जो है जो तेंथा होता है, हम इसको तेंथा बोलते हैं, तो इसका यूज़ अब मैं करूंगी इसको चलाने के लिए। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से चला रही हूँ, पका रही हूँ बार बार। अब मैं इसको ढक्कन लगा कर जो है पकने के लिए रख दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर में मतलब दो दो तीन तीन मिनट के बाद मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि सब्ज़ी हमारी नीचे ना लग जाए। वैसे पतीली तो मोटी है बट आपको पता है कि गैस में खाना बनाते बनाते आजकल बर्तन जो है बिल्कुल ही पतले पड़ जाते हैं नीचे से, क्योंकि पहले चूल्हे में खाना बनता था और हमारे बर्तन भी जो है बिल्कुल ही नीचे से मोटे रहते थे, लेकिन अब गैस में खाना बनता है इसलिए हमारे जो बर्तनों की परतें हैं वो बिल्कुल ही पतली हो जाती हैं। तो गाइस देखिए, मैं बार बार जो है अपने चिकन को जो है चेक कर रही हूँ, तो मैं तो कुछ इस तरह से ही अपना जो है चिकन बनाती हूँ। तो देखिए अब हमारा चिकन जो है कितनी अच्छी तरह से लग रहा है और अच्छे से पक रहा है। अब मैं यहाँ पे जो है साथ साथ में ही आटा भी गूंद लेती हूँ और देखिए अब मैं यहाँ पे फिर से छेड़ा लगा रही हूँ और गर्मी ज़्यादा है इसलिए सोचा कि पानी भी पी लेती हूँ, और ठंडा ठंडा पानी पीने का तो अलग ही मज़ा है जब ज़्यादा प्यास लगी हो तो। तो देखिए गाइस अब हमारा चिकन जो है तैयार हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर लूँगी। तो बनाना तो मुझे रोस्टेड ही है बट मैं थोड़ा सा इसमें पानी लगा के इसको फिर से अच्छी तरह से पका लूँगी। तो गाइस देखिए हमारा चिकन जो है बनके तैयार है और मैंने इसको एक बाउल में डालकर रख दिया है। तो देखिए गाइस देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में कैसा होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसको फटाफट से खा लूं। तो मैं अपने बेटे के लिए अब सर्व करूंगी। देखिए मैंने अपने बेटे के लिए डाल दिया है और साथ में मैं इसमें चपाती भी रख दूँगी। और मैंने ये प्लेट जो है ये मेरी है और इसमें मैंने चपाती भी लगा दी है और सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी मैंने खाना जो है दे दिया है। तो गाइस आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।